राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मुझे मेडिटेशन के बारे में तीन चीजें पूछनी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है उसमें। तो पहली चीज तो ये कि जब भी हम मतलब उचित समय क्या होता है मेडिटेशन करने का? जैसे मैंने अब तक सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन हम ब्रह्म मुहूर्त में ना कर पाए तो और किसी भी टाइम में किसी और वातावरण में 8 बजे कर लो, 10 बजे, आप तो कभी भी कर लो। भगवान का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, कभी भी कर लो, शाम को भी कर लो, ठीक है। और दूसरी चीज ये गुरु जी की जैसे आप कहते हैं कि ध्यान करते वक्त भगवान का चित्र जो है वो सामने होना चाहिए, तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमने कृष्ण भगवान के काफ़ी सारे चित्र देखे हुए हैं, कुछ टीवी में अलग, पोस्टर्स में अलग, मंदिरों में अलग, तो वो सारे एक साथ आते हैं, दिमाग में घूमते हैं, तो उस चीज़ पे कैसे कंट्रोल किया जाए कि एक ही चित्र आए? सारे भी आ रहे हैं, अच्छे हैं। आप जगन्नाथ जी को मन में बसाओ, बिहारी जी को है ना, राधारमण जी को और रंगनाथ जी को, जब ये तो यही चलते रहें, ये चलता रहे, जगन्नाथ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा बल्लभ जी, सब आते रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भगवान ही तो है। और तीसरी चीज ये कि जब दूसरे विचार आने लगते हैं ध्यान करते करते तो उनको आने देना चाहिए या फिर उन पे मतलब दिमाग ये कहता है कि तू रुक जा रुक जा रुक जा, और कृष्ण जी को करता है कि इनको पकड़े रहे पकड़े रहे पकड़े रहे, तो ये दो बातें चलती हैं। जब आपके घर में जब बहुत बड़ा तूफान उठता है तो आप तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं? नहीं। जब बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, धूल उड़ रही है चारों ओर, तो खिड़की दरवाजा बंद रखेंगे खोल के रखेंगे? बंद करके रखेंगे। इसी तरह जब गलत विचार आए तो अपने मन के दरवाजे को बंद कर लेना चाहिए, उस तरफ से रुक जाओ, वहीं पर बाहर रुको, ठीक है। श्रीमन नारायण खुश रहे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। सब खड़े ना होइए, मेरी विनती है, प्रार्थना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरु जी। हम बठिंडा से आए हैं, वैसे तो बिहार के रहने वाले हैं गुरु जी, हम आपसे दीक्षा लिए हैं बठिंडा में, ठीक है। तो गुरु जी हम तो दीक्षा ले लिए हैं, हमारे पति मांस मंदिरा खाते हैं, तो क्या हम लाए हैं आप? नहीं आया, नहीं है वो। कोई बात नहीं, आप ना खाओ बस, उनको समझाओ, कथा सुनाओ, वो भी छोड़ेंगे। कहते हैं, वो कहते हैं हम अपने मर्जी से छोड़ देंगे। चलो फिर भगवान जब चाहेंगे छोड़ देंगे वो, ठीक है गुरु जी। एक प्रश्न और है गुरु जी, मेरे बाबूजी जो है, हम बाबूजी कहते हैं अपने पापा को पापा नहीं कहते हैं, तो वो गुस्सा बहुत करते हैं, उसके गुस्सा बहुत होते, वो किसी को नहीं प्यार देते हैं, ना बच्चों को ना। कौन? मेरे पापा, मेरे बाबूजी। तो मत देने दो, क्या करना है आपको? ना बेटों को प्यार देते हैं, ना हम सबसे बढ़िया से बात करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, बात करें? हम चाहते हैं वो उसके मुंह से सभी से प्यार से बात करें। सब लोग ने कांटा कांटा ही रहेगा, वो कभी आम वो नहीं हो सकता, किसी के बात ही नहीं समझते हैं। कुछ लोग नहीं बदले जा सकते, रावण को सबने समझाया नहीं बदला, कुछ लोग संसार में आज भी ऐसे जो बदले ही नहीं जा सकते, बबूल बबूल ही रहेगा शुरू से।